नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे। हाँ अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट जेंडर इक्वेलिटी। अंडरलाइन करदा हाँ, सर्कल करदा हाँ, मेरा दिमाग विच एकदम इक्वेलिटी दियां इनफॉर्मेशन जेड़ी मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी च पई है बाहर आ जावे, है ना। तो जेंडर इक्वेलिटी नाल ही रिलेटड जेड़ी इक्विटी जिन्ना मैं लगातार कंपैरिजन करदा हाँ उहदी गल करांगा। अच्छा, हेठां लिखे दित्ते विच सब तो वधिया लिंग समानता, पंजाबी विच इक्विटी नूं कहिंदे है EQUITY, समता, समता, रमता जोगी हुंदा ना दसमता जोगी। ओके, हुण इक्वैलिटी की गल आ रही है, जदों इक्वैलिटी की गल आती है मैनू की याद आता है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन। सेम एग्जाम्पल वो बेस्ट है, वैसे अज एक केस भी आया है वो भी डिस्कस करता हाँ। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे क्लास विच बच्चे हैं जिन्हों को बुक्स नहीं हैं, 7-8 बच्चे हैं गरीब हैं, उनको बुक्स नहीं हैं। कोई बाहरों शख्स आता है, वह कहता है मैं बच्चों को किताबा देनिया हैं, कहता किन्हां देनिया है, वह कहता सारिया किताबा देनिया हैं। हुणे दसो कि सारिया सेम फुल बुक्स दे दित्तियां गई, कि ये जस्टिस है दूसरी तरफ हाँ, पर ये इक्वैलिटी है। ठीक, क्वेश्चन दोनों पैदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये है, वह कहते जिहड़े बच्चों जरूरत है इक्विटी, जिन्हों नीड है, ठीक है, वह कहते 7 बच्चे ने इन्हों जी इन्हों जरूरत है, कहते इन्हों मैं किताबा भी दे दाँगा यूनिफॉर्म भी दे दाँगा। एक शख्स ये है, एक शख्स ये है। जस्टिस तो फेयर दो शब्द ने, जस्टिस किधर होया, इधर होया जा इधर होया, नैचुरली असं समझते हाँ जस्टिस फेयरनेस इधर हुई। इक्विटी हमेशा ही पहला जो अवेलेबल डिफरेंसेस ने उन्होंने लैके चलती है, उन्होंने डिफरेंसेस के आधार पर जिन्हों जरूरत होंदिया हैं उन्होंने रिसोर्सिज असैस जां जो भी मटीरियल देना है वह दिता जाता है। एग्जाम्पल तुहाडे सामने सी, लेकिन इक्वैलिटी विच सेम सारियां डिस्ट्रीब्यूशन हुंदी है, सारियां शूज दे दिते गए। इक्वैलिटी उदों बैटर है जे तुहाडे पहला ही बच्चे इक्वल लाइन ते है, जेकर पहला डिफरेंसिस है फिर इक्विटी ही आनी है। हुण आओ देखदे हाँ कि की कीड़ी जिहड़ी इहनां चों परिभाषा है वह बिल्कुल सही है, सब तो नेड़े है। द प्रोसैस ऑफ बीइंग फेयर, मैनू जो मैं अपनी जेंडर स्कूल सोसाइटी वाली बुक विच भी इसे तरह डिफाइन किया है, फेयर मीन जस्टिस। ओके, न्या जो न्या करना है, जिन्हों को किताबा नहीं सी उन्होंने किताबा दित्तियां जाणगियां, है ना। लड़कियां नाल पिछले युग तो इनजस्टिस होया, अधिकार नहीं मिले, पहरावे दे घूमन फिरन दे अनेक इनजस्टिस होया, सो उन्होंने जो रिजर्वेशन दिती जाती है, उन्होंने बसा विच किराया फ्री कर दिता जाता है, उन्होंने उन्होंने स्पैशल स्कूल गर्ल्स स्कूल उस एरिए खोले जाते हैं जिथे गर्ल्स लिटरेसी लैवल बहुत ज़्यादा लो है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, सो वो सारा इक्विटी है, वो उन्होंने जस्टिस मिलने लिए है। दैट इज़ वाई ये तो बन गई डेफिनेशन इक्विटी की। दूसरी है एबिलिटी टू परसीव एग्जिस्टिंग जेंडर डिफरेंसिज, जिहड़ा डिफरेंस देखेगा, इन्होंने भी फेयरनेस किदा आई कि डिफरेंस देखे है किहदे कोल किताबा हैं किहदे कोल नहीं हैं, एंड इशूज टू इनकॉरपोरेट दीज इन टू स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन, मौजूदा लिंग अंतरता और मुद्दों समझना और इन्हों रणनीतियां ते कार्रवाई में शामिल करना। रणनीतियां की हैं कि जिहड़ा बच्चा पिछे रह गया है, जिन्हों को बुक्स नहीं सी उन्होंने बुक्स लै दो जी, जिन्हों बच्चों विजन कमजोर है जी उन्होंने ग्लासिज लगा दो, उन्होंने ऑपरेशन करा दो, उन्होंने क्लास के अगे बिठा दो, उन्होंने एक्सट्रा टाइम दे दो, कि कुछ बनता है रणनीतियों। इत्थे भी की है जस्टिस हो रहा है, इत्थे भी की बनता है इक्विटी बनती है जिन्हों तुसी समता कहोगे। हाँ, अगला है द एबसेंस ऑफ डिस्क्रीमीनेशन, मेरी तो सुई इत अटक गई, एबसेंस ऑफ डिस्क्रीमीनेशन। इतने डिस्क्रीमीनेशन है केड़ा है, पॉजिटिव डिस्क्रीमीनेशन, के डिफरेंस ही बुक्स नहीं सन तेरे ना डिस्क्रीमीनेशन, उन्हों को जिन्हों को किताबा हैं उन्होंने नहीं दिखाई जाएगी, जिन्हों को नहीं है उन्होंने दिखाई जाएगी। अच्छी गल है ना,
सो ये अच्छा डिस्क्रिमिनेशन है ना, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। इत्थे भी फेयर ता ही होएगा जिथे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होएगा, और इत्थे एबसेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया ही नहीं जाएगा, जीरो ते चल रहे हाँ। ये इक्वैलिटी दे मैनू को बिल्कुल करीब लगा है सिर्फ ए वर्ड। फिर भी अगे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ परसन सैक्स इन अथॉरिटी अपॉर्चुनिटी एलोकेशन रिसोर्स और बिलीफ एंड असैस ऑफ सर्विसिज, पंजाबी विच भी तुसी पढ़ लो कि अधिकार ते सेवावां स्रोतों ते विश्वासां दी वंड मौके अते पहुंच तक एक व्यक्ति दे लिंग दे आधार ते वितकरे दी अणहोंद। देखो जो मैं टैग वर्ड क्यों बौं बौं करी जा रहा हाँ, इसलिए राजे कि जो एक शब्द तुहानू आंसर दे रहा है, एक शब्द आंसर दे रहा है, मैं एडियां लंबियां स्टेटमेंट पढ़न विच एनर्जी नहीं खराब कर रहा। मतलब जो स्मार्ट बनना की हुंदा है कि थोड़े विच ज्यादा कर लेना, जिंदगी कितनी वड्डी है हाँ। अगला भी पढ़ लीए समझण लई कि मेरा ए शब्द काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज सोशली डिटरमाइंड डिफरेंसिज, टैग वर्ड मेरे काम आ गया, क्योंकि इक्वैलिटी डिफरेंसिज मन के चलती है। इधर भी डिफरेंस आ गया, इधर भी डिफरेंस आ गया, इधर फेयरनेस है, डिफरेंस नु मान लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसने भी क्वेश्चन पाया है वेरी गुड। पिछला क्वेश्चन पता नहीं मैनू क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पर वो भी अच्छी कोशिश है, पर जो क्वेश्चन गलत है फिर क्वेश्चन मार्क है। अच्छा हुन 100% मेरे वालों, मैं गलत हो सकता हाँ, किसी ते भी विश्वास न मैं कहना ना करो, क्रिटिकल थिंकर बनो। दैट इज वाई मैं सी नू चूज करता हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ एबसेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इक्विटी ते इक्वालिटी विच फर्क भी करवा देवांगा, जिहड़ा मेन है इहदे विच डिफरेंस विच कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्विटी विच फेयर ते जस्ट हुंदी है, एक वर्ड ने मैनूं दस्सता, इहदे विच ईवन बराबर हुंदी है। और दूसरी गल है इक्विटी हमेशा ही कॉन्ट्रोवर्शियल हुंदी है। कॉन्ट्रोवर्शियल किद्दां हुंदी है? इक्वालिटी ते इक्विटी दे कंसैप्ट नूं समझण लई जे तुसीं क्लासरूम च हुंदे तां मैं तुहानूं इह फिल्म जरूर दिखाउणी सी। आरक्षण इक्विटी ते डिफरेंसिज दी गल कीती जा रही है, जेकर शुरू च डिफरेंसिज हन ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਕੇ ਖੇਤ ਜੋਤੇ ਹਮਨੇ, ਆਪਕੇ ਫਸਲੇ ਕਾਟੀ ਹਮਨੇ, ਆਪਕੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਚਰਾਏ ਹਮਨੇ, ਆਪਕੀ ਬੇਟੀਓ ਕੀ ਬੀਵੀਓ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਉਠਾਈ ਹਮਨੇ, ਆਪਕੇ ਮੋਢੇ ਚਲਾਏ, ਜੁਤੇ ਸੇ ਬੈਲ ਹਾਕੇ ਨਾਮ ਚਲਾਏ, ਆਪਕੇ ਘਰੋਂ ਕੀ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀਓ ਕੀ ਸਫਾਈ ਕੀ, ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਕੀ ਟੱਟੀ ਵੀ ਸਰਪਟ ਹੋਈ ਹਮਨੇ, ਹਮੇ ਮਿਹਨਤ ਸਿਖਾਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਲੌਗਸ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਮਨ ਕੰਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਆਪਨੇ ਹਮੇ ਕਭੀ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਅਰੇ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਤੋ ਸਕੂਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਬੰਦ ਥੇ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਏ ਤੋ ਹਮੇ ਛਾਂਟ ਕੇ ਅਲੱਗ ਲਾਈਨ ਮੇਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਰੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਰੇ, ਸਭ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰ ਤੁਹਾਰੇ। ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁਣ ਜੋ ਸ਼ਖਸ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚੈਲੰਜ ਉਠਾਓ ਯਾਰੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਕੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਕੇ ਲਈ ਚਾਹੀਏ ਮੈਰਿਟ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਕਰੇਂਗੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੈਰਿਟ ਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਰਾ, ਮਗਰ ਰੇਸ ਕੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਸੇ ਕਹੋ, ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਹਵੇਲੀ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਆ ਕੇ ਬਸਤੀ ਮੈਂ ਰਹੇ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ। ਚਲਾ ਕਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਬਾੜੀ ਚਪਰਾਸੀ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਪਰ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸੇ ਕਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੈਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ਿਆਨੇ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਮਾਂ ਕੇ ਪਾਸ ਆਕਰ ਘਰ ਘਰ ਝਾੜੂ ਬਰਤਨ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੇ ਕਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਖ ਖੁਲਤੇ ਹੀ ਮੁਹੱਲੇ ਕੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਕੇ ਖਲੌਤੇ ਨਲਕੇ ਸੇ ਇੱਕ ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕਰ ਲਾਏ। ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ, ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਖੋ। सो कंक्लूजन है कि जे स्टार्टिंग पॉइंट जिसमें कि रेस हुंदी है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका सेम है जिवें इस डायग्राम च दिखाया जा रहा है, तां इक्वैलिटी अप्लाई होएगी। मीन सेम रिसोर्सिज, सब नू सेम, जिस तरह एग्जाम्पल दित्ती, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट कीतियां जाणगियां। जेकर डिफरेंसिज हन, इत्थे डिफरेंसिज लिखदे हाँ कि कोई स्टार्टिंग पॉइंट इत्थे है, किसी का इत्थे है, कोई बहुत ज़्यादा पछड़ गया है, नैचुरली है फिर अनइक्वल और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, जां डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव हो गया ना, कि जेड़ा पिछे सी रह गया, ये जो पिछे रह गया सी, इसनू ज़्यादा हेल्प दिती जाएगी उस दे बजाए कि जो ऑलरेडी अगे है। यही सीन फिल्म विच यही डिबेट सी कि स्टार्टिंग लाइन सेम होनी चाहिए है, तो असी देखते हैं क्लास विच स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं है, समाज विच स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं है,
ऑलरेडी डिफरेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो डिफरेंसेस नू अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी मैथड स्ट्रैटेजी प्लैनिंग पाने हैं, दैन इक्विटी का कंसैप्ट ही अप्लाई होंगे है। हाँ, इक्विटी के कंसैप्ट ने एंड लाइन जोड़ी है, एंड लाइन सेम करनी है, इसलिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, ता जो बाद विच एजुकेशन मिलन तो बाद, क्लासरूम तो बाद, टीचिंग लर्निंग तो बाद, बच्चे इक्वल लैवल ते आ जाए। दैट इज़ वाई राइट आंसर असें एबसेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन चुनिया है, जो कि बराबर सारे नू रिसोर्स लेके चलता है, स्टार्टिंग लाइन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ डिवेलपमेंट रेफर्स टू सरकमस्टांसिस इन विच डिवेलपमेंट इज अनईवन। अनईवन नू अंडरलाइन करांगा मैं, क्रॉस द डोमेन। हाँ, डोमेन का मतलब मैनू एकदम याद आ गया है, डायमेंशंस, कोग्निटिव, अफेक्टिव, कोनेटिव, मॉरल, सोशल एटसेट्रा, है ना। तो ऑप्शन की है स्पाइरल डेवलपमेंट, उन ए है अनईवन। अनईवन मीन इन ईवन है, बराबर चल रही है, अनईवन है कि बराबर नहीं चलती। विकास की हेठ लिखे धारणा में कड़ा संकुल उन्होंने हालतों में दसदा है, जिस विकास डोमेन असमान है, असमान। इट मीनस मैं मन के चल रहा हाँ, कोगनेटिव डोमेन मान लो बच्चा इन्ना डिवेलप हो गया है, एग्जाम्पल लैके चलते हाँ, मैथ्स, मैथ्स दियाँ प्रॉब्लम वो सॉल्व कर लेंदा है, जां तुसी ए गेन कर लो कि मैथ्स विचो एक्सीलेंट है, टॉप ते है, 80-90% लैके जा रहा है, ठीक है। अफेक्टिव डोमेन च एम्पथी, एम्पथी मीन हुण सोशल डोमेन विच मैथ विच टॉप ते जा रहा है, लेकिन वो दूसरियां दियाँ भावनावां नूं समझण विच पुअर है, रह रहा है। ग्राफ बनाना है, मान लो ए डोमेन हो गई, मान लो ए डोमेन, ए मैथ का ग्राफ इत्थे जा रहा है, अफेक्टिव का मान लो इत्थे जा रहा है, सोशल का मान लो बहुत ज़्यादा पुअर है, इत्थे जा रहा है, ओके। मॉरल का मान लो इत्थे जा रहा है, कोनेटिव का मान लो इत्थे जा रहा है। सो द डिवेलपमेंट इज इन ऑल डोमेन्स आर अनईवन। जेकर वो जिदा मैथ विच जां कोगनेटिव एबिलिटी विच उपर सी, उस तरह अफेक्टिव विच भी इसके बराबर हुंदा, फिजिकल भी इत्थे तक हुंदा, और मॉरल विच भी इत्थे तक हुंदा, और सोशल विच भी, है ना, लगभग बराबर, एग्जैक्ट बराबर नहीं होना। सो अनईवन है कि सिग्निफिकेंट ज़्यादा डिफरेंस है एक डोमेन तो दूसरी डोमेन में। हुण ऑप्शन मेरे को की ने, स्पायरल डेवलपमेंट। स्पायरल डेवलपमेंट का प्रिंसीपल शायद सानू पता है कि ए वाला डायग्राम बनता है, इंडिविजुअल की ग्रोथ डेवलपमेंट इतों स्टार्ट होंगी है और थोड़ी देर बाद वो मूव करती है, कंसोलोडेट होके फिर हौली होंगी है, फिर तेज़ होंगी है, व्यापक होंगी है, तेज़ होंगी है, व्यापक हौली होंगी है, इस तरह ये लाइक ए स्प्रिंग चलती है। दूसरा ऑप्शन साढ़े को है स्पाइरल डेवलपमेंट, उसका ग्राफ भी इतने ड्रा किया होया है, इसनों थोड़ा व्डा करके देख लेने हाँ। लैडर जिमें स्टेयर्स ने, वन ट्रस्ट, मिसट्रस्ट, अटोनमी, इनिशिएटिव, इंडस्ट्री, आइडेंटिटी, केड़ी याद आ रही है थ्यूरी, एरिक्सन की थ्यूरी, साइकोसोशल डेवलपमेंट स्टेज थ्यूरी है, जिस विच जिथे भी स्टेज थ्यूरी होएगी उथे डेवलपमेंट डिसकंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस होएगी। होर एग्जाम्पल प्याजे की थ्यूरी है, स्टेज थ्यूरी है लैडर। सो जी सानू स्पायरल कल्ले दा मतलब भी पता है कि ये स्पायरल मतलब है, स्पायरल करिकुलम जो ब्रूनर ने दिता सी वो भी याद आंदा है, दूसरा लैडर दा मतलब पता है कि पौड़ियां वर्गा, है ना, वो भी क्लीयर है। उस दे आधार ते जिहड़ा ये ग्राफ साढ़े को साढ़े जे मन विच बन रहा है कि ये इस तरह बन रहा है, इस तरह बन रहा है, सो इहदे नाल मैच नहीं करता, इहदे नाल मैच नहीं करता, और तुहाडे को दो ऑप्शन बचदियां ने, अबनॉर्मल डिवेलपमेंट जां स्पिल्टर्ड डिवेलपमेंट। हुण अबनॉर्मल डिवेलपमेंट वो है जिस विच असी डिसऑर्डर, ये शब्द शायद नहीं क्योंकि मैं क्लीनिकल साइकोलॉजी की एम एस सी की हुई है, वो क्लीनिकल ये शब्द आम तौर पर वरते जाते हैं, डिसऑर्डर जिहड़े हुंदे ने, फॉर एग्जाम्पल डिप्रैशन तुसी आम समझ सकते हो, स्कीजोफ्रेनिया है, एंगजाइटी डिसऑर्डर है, एक्सैसिव फोबिया है, हाइटोफोबिया है, इस तरह के डिसऑर्डर हुंदे है, ऑब्सैसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, है ना।
कि थॉट एक नॉर्मल समाज या परिवार विच रहन दे काबल नहीं रहिंदे, वो नॉर्मल बंदियां नूं वक्खरियां हरकतां करदे हन, पर इत्थे तां उहदी एक डोमेन च डिवेलपमेंट ज़्यादा है, दूसरी च घट है। ये नहीं है कि नॉर्मल नालों विखरी हो गई है, दैट इज़ वाई अब नॉर्मल नूं भी डिलीट किया जाता है। सो राइट आंसर बी बच रहा है। ये तो सी स्ट्रैटेजी के जिस दे आधार ते आधार की लिया सी कि अक्षरां नूं उहनां दे मीनिंग विच फिट करके देखना है कि केड़ा उदे नाल मैच करता है केड़ा नहीं मैच करता, इसनों रीजनिंग भी कह सकते हैं। आओ हुण वेरीफाई कर लीए कि की वेरीफाई भी कर लेने हाँ। स्प्लिंटर्ड अनईवन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स अक्रॉस डोमेन्स, ये डेफिनेशन क्लीयर नैट पर मिल जाती है। नैक्सट क्वेश्चन है, हू अमंग द फॉलोइंग यूज टर्म लर्निंग डिसबिलिटी फॉर फस्ट टाइम। ऑड मैन आउट द फार्मूला सिंपल लग रहा है। बिनेट नू याद है कि असी करते हाँ कि बिने का कंसैप्ट फादर ऑफ इंटेलीजेंस टैसट पर आता है। जी फैक्टर जे पूछना हो, सिंगल फैक्टर किन्हां ने समझिया, साइमन ने सिंगल फैक्टर समझिया, इन्होंने फर्स्ट इंटेलीजेंस टैसट डिवेलप किया जिहड़ा इंडिविजुअल टैसट सी। गैल्टन बारे जे शक है तो वैसे फर्स्ट कोशिश जिहड़ी वर्ल्ड विच इंटेलीजेंस टैसट डिवेलप करन दी कोशिश की थी, वो गैल्टन ने की थी। डार्विन दे नाल उना दे विचारां ते चलदे हुए इन्होंने हैरिडिटी ते और एवोल्यूशन ते कि इंटेलीजेंट कंसैप्ट जिहड़ा है हैरिडिटी तो जीन्स तो नेचर तो ये शब्द पूछे जा सकते हैं, गैल्टन नाल जोड़े जा सकते हैं। दा विचार सीगा कि इंटेलिजेंस जिहड़ी है डिटरमाइंड बाय हैरिडिटी जीन्स नेचर और एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये तिन्ना दी रिजेक्शन दे नाल के इन्हों का संबंध जिहड़ा है लर्निंग डिसेबिलिटी नाल नहीं इंटेलीजेंस थ्यूरीज नाल है। देखो ऑडमैन है और बचता एक है, दैट इज़ वाई उसनों असी टिक कर देंगे राइट आंसर के तौर पर। वैसे सैमुअल किर्क की इन्हों की बुक भी बड़ी ग्रेट है जिहड़ी मेरे ख्याल च नहीं स्टूडेंट्स अजकल पढ़ते होंगे, डिसेबिलिटी पर है, जो बुक ही पढ़ी हो राइट आंसर जल्दी ही असी उसनों क्लिक कर दीए। फुल फॉर्म ऑफ UNCRPD मैमरी लैवल का क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ परसन विद डिसेबिलिटी, राइट आंसर। कितों गलत पहचानना है वह कोशिश कर लें हाँ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ परसन विद डिसऑर्डर, एक शब्द जिहड़ा है किसी डिसऑर्डर लई कोई भी कन्वेंशन नहीं होंदी। डिस जां अबनॉर्मल साइकोलॉजी विच डिसऑर्डर जिहड़ियां पिछे एग्जाम्पल दे के आया हाँ उन्हां चों एक याद रख सकते हो कि उन्हां लई कन्वेंशन की जा रही है। यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर राइट्स ऑफ परसन विद डिसेबिलिटी, सेंटर शब्द सिर्फ बदल दिता। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर राइट्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ डिसएबल्ड, ये भी शब्द अधूरा गलत है, प्रिजर्वेशन, सो राइट इज़ ए। नैक्सट डिफिकल्ट क्वेश्चन विच ये जो मैचिंग करनी है, जो तुम 100% जितने क्लीयर हो पहला उसनों कर ली दी है, जिमें कि मैं बच्चों को यह सिखाया होया अपने स्टूडेंट्स को कैलकुलिया तो मेन कैलकुलेशन जमा दो गुना चार करन विच है ना, ईशान भी प्रॉब्लम आती सी, तो ये देखो कि अरथमैटिक गणित अंकिक ये जुड़ रहा है, इतों इनू ये जोड़ दिता। नंबर एक ठीक है, डिसग्राफिया ग्राफ असी इदा बनाने हाँ जी ग्राफ बन गया, लिखते हाँ राइट, राइट नाल संबंधित किहड़ी आ गई ए डिफिकल्टी इन हैंड राइटिंग, ये आ गई। ओके हुण प्रॉब्लम है कि डिसलैक्सिया दा असी हमेशा ही रीडिंग नाल संबंध समझिया है, तारे जमीन पर भी यही प्रॉब्लम लई जांदी है, ते इत्थे जेड़ी पेपर सेटर ने जो अच्छी गल है गुड है कि उन्होंने रीडिंग की गल किते नहीं की, रीडिंग की गल किते नहीं की। हुण इहदे बारे एसपर्जर बा सिंड्रम बारे सानू पता नहीं है कि ऑटिज़म दा ही वह पार्ट है, क्योंकि वह पार्ट है मान लो पता नहीं है, पर डिसलैक्सिया दियां 6 टाइप्स हैं, उन्हां चों एक टाइप फनोलॉजिकल, हाँ मैं वो दिखा भी दिना हाँ कैड़ियां टाइप्स ने, लेकिन जेकर सानू ये पता है रीडिंग जो असी रीड करते हाँ तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, असी जानते हाँ ब्रेन के न्यूरॉन्स विच गड़बड़ हुंदी है, वो जिवें तारे जमीन पर कहिंदे हन कि वायरिंग की कमी हो कुछ गड़बड़ हुई हुंदी है। सो उहदे विच जे तुसी जोड़ना है तो जोड़ सकते हो कि फोन मीन ध्वनियां साउंड्स।
जिहड़े बच्चे नूं साउंड्स नूं आइडेंटिफाई करन विच प्रॉब्लम आउंदी होएगी उहदी रीडिंग भी डिस्टर्ब हो सकती है। जेकर इन्नी रीजनिंग कर सकते हो तां डिसलैक्सिया नूं फोनोलॉजिकल नाल कित्थे गए इत्थे असी मैच कर सकते सी। इन्नी मैचिंग हो जाती है तो बाकी ये जिहड़ी सी वैरी डिफिकल्ट सी। ये मैं दिखा दिंदा हाँ कि ये ऑटिज़म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर दा इहदा ही एसपर्जर सिंड्रम दा ही। एसपर्जर सिंड्रम ए फॉर्म ऑफ ऑटिज़म स्पैक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ ए डिवेलपमेंटल डिसऑर्डर। अगे तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, एसपर्जर सिंड्रम वाले नौजवानों नूं समाजिक तौर पर मीन इहदा प्रॉब्लम किहदे नाल संबंधित होएगी वह नोट कर लेना चाहिए है। समाजिक तौर पर सोशल स्किल्स विच प्रॉब्लम आएगी, इधर आएगा कि डिफिकल्टी इन रिलेटिंग अदर सोशली। सिर्फ एक वर्ड याद रखना है क्योंकि सोशली ना इंट्रैक्शन, सोशल कम्युनिकेशन, सोशल रिलेशनशिप ये नाल आपे ही याद रहने चाहिए हैं। सो सोशल रिलेशन सोशल स्किल विच प्रॉब्लम आती है इस सिंड्रम ना। फिल्म असी देखी होएगी ऑटिस्टिक अलर्ट, शुरू विच शाहरुख खान माई नेम इज़ खान बट आई एम नॉट ए टैररिस्ट, उहदे विच जो एयरपोर्ट ते गल की जाती है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम आती है। सारी फिल्म विच तुसी देखो तो कि कम्युनिकेशन ते सोशल रिलेशन बनाउण विच ही प्रॉब्लम आती है। चिल्ड्रन विद एसपर्जर सिंड्रम एग्जीबिट पुअर सोशल इंटरैक्शन, ऑब्सेशन, ऑड स्पीच पैटर्न, लिमिटेड फेशियल एक्सप्रेशन एंड अदर पिकुलर मैनरिज्म। मतलब के मैनरिज्म फिर उदा ही पार्ट आंदा है, स्पीच भी सोशल दा ही पार्ट आंदा है, लिमिटेड फेशियल एक्सप्रेशन अपने विचारां नूं जां अपने भावनावां नूं फेस ते ना जाहिर कर सकना, सारियां उहदे नाल संबंधित हन सोशल इंटरैक्शन दा सोशल स्किल्स नाल। ये टाइप्स हन डिसलैक्सिया दीआं, फोनोलॉजिकल डिसलैक्सिया इहदे आधार ते क्वेश्चन बनाया सी, दैट इज़ वाई आइडेंटिफिकेशन कर लैंदे हां। रैपिड नेमिंग डिसलैक्सिया, डबल डिफिसिट डिसलैक्सिया, सरफेस डिसलैक्सिया, विजुअल डिसलैक्सिया, डिवेलपमेंटल डिसलैक्सिया, एक्वायर्ड डिसलैक्सिया। देखो एनी रीजनिंग ते एनी नॉलेज चाहिदी सी तां इह क्वेश्चन सॉल्व होना सी। मैं उन्हां स्ट्रैटेजी विच दस्या सी कि जिहड़ा क्वेश्चन तुहाडी एनर्जी बहुत ज़्यादा खांदा है उसनूं छड्ड देना चाहिदा है, पर इत्थे नाल नाल नॉलेज रीजनिंग ते स्ट्रैटेजी तिन्हां नूं कंबाइन करके असीं कुछ समझ रहे हाँ। मैं हैरान हाँ जदों क्लास विच मेरे स्टूडेंट्स ने दस्या कि ये क्वेश्चन उन्होंने 5 सैकेंड विच सॉल्व कर लिया, हैरान हो गए 5 सैकेंड्स किवें कर लिया। मैं ऑड मैन आउट दी एक स्ट्रैटेजी दसी सी, उन्होंने कित्थों किया, ये दूसरा नुकता दस रहा हाँ इसे नूं सॉल्व करन दा। जदों कि एनी एनर्जी लाउण तो बाद एक मार्क मिलना है और नुकते दे नाल किन्नी थोड़ी नाल ज़्यादा मार्क्स मिल जाने हैं। एक दो तीन ऑप्शन है, एक दो तीन ऑप्शन है, एक दो तीन ऑप्शन है, सिर्फ सी ए बी डी जिहड़ा राइट आंसर सी हुणी जोड़ा बनाया है सी है ना, उहदे विच 4 ऑप्शन सी। सो कई बच्चियां ने मेरे स्टूडेंट्स ने सीधा वो 4 वाला देख के टिक लगा लिया, नैचुरली उन्होंने घट्टो घट 3-4-5 मिनट बच गए। लैंग्वेज डिसऑर्डर रिप्रजेंट सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट इन चाइल्ड्स डैश, भाषा के विगाड़ बच्चे विच महत्वपूर्ण विगाड़ा नूं दर्शाते हैं, उत्थे भी विगाड़ है इत्थे भी विगाड़ है। ट्रांसलेशन पंजाबी विच देख सकते हाँ, ग्रहण करन दी, ग्रहण करन वाले किहड़े हुंदे हन जिहदे विच सुनना आ जाता है पढ़ना आ जाता है, इत्थे सुनना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि ज़्यादा मौखिक असी अच्छा रिसिप्टिव ग्रहण करन वाली भाषा, इत्थे ग्रहण करन वाली भाषा का प्रगटावा ये कन्फ्यूज़ कर रहा है। एक्सप्रैसिव इत्थे असी कुछ कहना है प्रगट करना है, इत्थे सुनना है ना, इत्थे बोलना है। सो ये दोनों रिलेटेड ने सुनना ते बोलना, इसलिए ज़्यादातर ऑप्शन विच जे उहदा कंबीनेशन दिता है जां बोथ लिखिया हुंदा है वह उत्तर वधेरे ठीक हुंदा है। उस दे आधार ते रिसेप्टिव ते एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नूं सही मन्निया जा रहा है, लेकिन इसनूं वेरीफाई कर लैंदे हाँ। लैंग्वेज डिसऑर्डर है, इहदे विच 2 टाइप्स दित्तियां ने, टाइप्स विच ग्रहण शील भाषा विकार नंबर 1, नंबर 2 ते एक्सप्रेसिव भाषा विकार। सो राइट आंसर ईजी है, नॉलेज के आधार पर इसनों ठीक कर रहे हैं। तुक्का लगाने लिए कोई खास साढ़े को लॉजिक नहीं सी, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड रिसिप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर। नेक्स्ट है, की एलीमेंट ऑफ कलैबोरेशन बिटवीन जनरल एंड स्पैशल एजुकेशन टीचर्स इज रिप्रजेंटेड बाय, आमतौर पर विशेष सिक्ख्या अध्यापकों के विचकार सहयोग दे मुख तत् द्वारा दर्शाया गया है। पंजाबी पढ़नी औखी लग रही है क्योंकि ट्रांसलेशन सही नहीं है। हुण साढ़े कोल 4 ऑप्शन है, सोशल मॉडल
ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁੱਕਾ ਆਪਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਡੈਪਟਿਵ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਇਓਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਇਓ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬਾਇਓ ਮੀਨ ਜੈਵਿਕ ਅੱਛਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਨਰਲ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਨਰਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਕੂਲ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਹੈ ਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਡਾਇਆਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਲਾਈਂਡ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਜਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਹ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਜਿਹੇ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਡਿਸਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ਼ਾਨ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਦੀ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਜੇ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇੱਕ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਇਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਸਕੂਲ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕੋਕਰੀਕੁਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੋ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਡਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਚੇਂਜ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਬਾਇਓਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਅਪਰੋਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਕੁਇਟੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਸੀ ਹੁਣ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸਦੀ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੋਰਮਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅਰਸ ਹਨ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੈਂਪਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਰਸਨ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਟੇਅਰਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੈਂਪਸ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਸੇਬਲਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨੋਰਮਲ ਵਾਂਗ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕੇ ਸੋ ਸੋਸ਼ਲ ਅਪਰੋਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਟਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਸੈਂਟ੍ਰਿਕ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਡੈਪਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟ ਟਿਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਫੁੱਲ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਬਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਂਗ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸੈਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਇਹ ਬਾਇਓਸੈਂਟ੍ਰਿਕਲ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ
लेकिन एदे विच पॉसिबल है कि बच्चों का करिकुलम, बच्चों की इवैल्यूएशन, लर्निंग रिसोर्सिज जिसनों ऑडियो विजुअल एड तुसी कह सकते हैं, वह बच्चों के मुताबक की जाती है। जो ये चेंज किए जाते हैं, तीन शब्द वो वरते जाते हैं, मॉडिफिकेशन, ये शब्द उस वीडियो विच दसे गए हैं कि ये जिथे भी शब्द आवे इट मीनस इनकलूजन की जाती है, मॉडिफिकेशन, अकोमोडेशन, अडैप्टेशन, अडैप्टेशन, ये तीन शब्द ने। ये जिथे भी शब्द आते हैं इट मीनस लर्निंग एनवायरमेंट न बच्चे की स्पैशल नीड के मुताबक चेंज किया जा रहा है। फुल इनकलूजन विच इंटेग्रल पार्ट ऑफ जनरल स्कूल, इट मीनस हूँ बच्चे स्कूल दे विच शामिल ने, बच्चे नॉर्मल क्लास भी जाते, नॉर्मल एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करते, प्लस स्पैशल टीचर जदों जरूरत पैंदी है उदो नॉर्मल टीचर की हैल्प करने लिए जां उस बच्चे की हैल्प करने लिए भी हाजिर रहिंदे ने। इस इनकलूजन नूं कह रहे ने फुल इनकलूजन मॉडल। इस मॉडल विच कोशिश हुंदी है कि हर टीचर नूं हर स्टूडेंट लिए तैयार किया जाए कि उन्हां दीआं जरूरतां पूरियां कीतीआं जा सकन। जदों जरूरत हुंदी है हाँ एक्सपर्ट नूं रैफर किया जाता है। एक्सपर्ट डेफिनेशन ऑफ फुल इनकलूजन भी रीड कर लिए, ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी शुड बी टॉट एक्सक्लूसिवली विद एप्रोप्रिएट सपोर्ट। जिमें मैं गल करके आया हाँ कि बच्चों नू सॉफ्टवेयर है और ब्रेल है, वो फिजिकल जिहड़े हैंडीकैप ने उन्होंने अकॉर्डिंगली जिहड़ियां है जरूरत पूरियां करन लई सुविधावां दित्तियां जांदियां हन। इन जनरल एजुकेशन, दिस इज पिछे जिहड़ी गल करके आए हाँ जो साडा क्वेश्चन चल रहा है, क्लासरूम एट नेबरहुड स्कूल दैट इज इन द सेम स्कूल सेम एज ग्रेड appropriate classroom they would attend if they were not disabled. So सब तो ज़्यादा पलड़ा भारी full inclusion दा है, क्योंकि collaboration है between general school, general teacher and special education teachers. इस दे नाल ही CDP दे difficult A question paper 2 सीरीज खत्म होंदी है। एक सुजैशन है कि टैग वर्ड वालियां, मैं ये परसनल एक्सपीरियंस ते बच्चों के एक्सपीरियंस नाल कह रहा हाँ, टैग वर्ड ने ते जिहड़े ट्रिक्स हन जिहड़ियां वीडियो ऑलरेडी दसियां हन टेट बेसिक कोर्स प्लेलिस्ट विच पईयां हन, उहनां नूं जे देख लो ते सी टेट पी टेट कोई भी होवे ओह आसान हो जाएगा। इस तों इलावा तुहाडी कोई जरूरत होवे कमेंट बॉक्स विच कह सकदे हो, कोई थ्यूरीज जां कोई पर्टिकुलर कंसैप्ट जां वीक एरिया है और तुसी लिख के मैनू ऑर्डर कर सकते हो। थैंक यू, लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह।